हिमाचल प्रतिकार मंच के बैनर तले छोटी काशी मंडी के भूतनाथ मंदिर परिसर में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में प्रदेश में 2006 में लागू वन अधिकार कानून को लेकर विस्तृत चर्चा की गई, साथ ही वन भूमि पर अवैध कब्जा कर जीवन बसत कर रहे प्रदेश के गरीब असहाय लोगों को इस अधिनियम के तहत छूट देने की भी सरकार से गुहार लगाएगी। हिमाचल प्रतिकार मंच के बैनर तले छोटी काशी मंडी के भूतनाथ मंदिर परिसर में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में प्रदेश में 2006 में लागू वन अधिकार कानून को लेकर विस्तृत चर्चा की गई, साथ ही वन भूमि पर अवैध कब्जा कर जमीन बसर कर रहे प्रदेश के गरीब असहाय लोगों को इस अधिनियम के तहत छूट देने की भी सरकार से गुहार लगाई गई। वन अधिकार मंच ने वन भूमि पर कब्जा करने वाले भूमिहीन व गरीब लोगों के दावों की प्रक्रिया शुरू करने की भी सरकार से मांग की। मेरा नाम रविकांत है, मैं वन अधिकार मंच का राज्य कमेटी का सदस्य हूं। आज मंडी के अंदर जो मंडी जिला की हमारी वन अधिकार समिति की जो मीटिंग हो रही है भूतनाथ मंदिर के अंदर, उस मीटिंग के अंदर आज हम ये चर्चा कर रहे हैं कि हमारे देश के अंदर जो वर्ष 2006 के अंदर जो वन अधिकार कानून बना, उस कानून के तहत जो हिमाचल प्रदेश के अंदर और ख़ास तौर पे मंडी जिला के अंदर जो वन भूमि के ऊपर जो आश्रित लोग हैं या वन भूमि के ऊपर जो जिन लोगों के कब्जे हैं, उन कब्जों को कानून के तहत जो उस भूमि के ऊपर जिन लोगों के राइट बनते हैं, जो अधिकार बनते हैं, उन अधिकारों की लड़ाई को लड़ने के लिए 11 अप्रैल को मंडी के अंदर एक राज्य स्तरीय रैली हमने की थी और मंडी जिलाधीश को हमने ज्ञापन भी सौंपा था। और आज दोबारा जो किसानों के मसले हैं, जिन किसानों की वन भूमि पे जो आश्रित है, उनके मुद्दों को लेकर जो है आज हम मंडी के जिलाधीश को एक ज्ञापन सौंप रहे हैं और उसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश सरकार के जो सचिव हैं उनको भी हम आज ज्ञापन देंगे। इस ज्ञापन के माध्यम से हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि मंडी जिला के अंदर जो मंडी के जिलाधीश महोदय ने जो नीली रिपोर्ट भेजी है हिमाचल प्रदेश की सरकार को, केंद्र की सरकार को, वो नीली रिपोर्ट ना होके बल्कि यहाँ पे जो लोगों के दावे हैं वन भूमि पे, उसको उस प्रक्रिया को यहाँ पर शुरू किया जाए और उसके साथ साथ जो वन अधिकार कानून है उसकी ट्रेनिंग जो है एसडीएम लेवल से लेके नीचे तक जो है पंचायत स्तर तक, ब्लॉक स्तर तक इस लोगों को ट्रेनिंग दी जाए और इसके साथ साथ जो लोगों को कानून के तहत जो अधिकार इसमें मिलने हैं, उन अधिकारों के लिए आज हम ये ज्ञापन डीसी साहब को सौंपेंगे।